हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, बुक नेम इज इंट्रेक्टिव मैथमेटिक्स एंड योर सेकेंड चैप्टर दैट इज एडिशन, एक्सरसाइज 2.7, पेज नंबर 52। तो आज हमने एडिशन सम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्टली, एडिशन सम्स को हम टू वेज में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वन इक्वेशन ली, कोई भी इक्वेशन आपने ले लेनी है, जैसे 143 प्लस 221, आपको एक एडिशन का सम दिया गया है, 143 प्लस 221। तो मैं आपको इस सम को टू मेथड में सॉल्व करके दिखाऊंगी, हाउ वी सॉल्व दिस एडिशन सम इन टू डिफरेंट मेथड। फर्स्टली, आपने वंस, टेंस और हंड्रेड के बारे में जाना। थ्री कहाँ पे है? थ्री इज एट वन स्पेस, फोर इज एट टेन स्पेस एंड वन इज एट हंड्रेड स्पेस। देन नेक्स्ट, वन इज एट वन स्पेस, टू इज एट टेन स्पेस एंड टू इज एट हंड्रेड स्पेस। ऐसे ही हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन ले ली 143। अभी इसके नीचे हमने सेकेंड का जो वंस है उसको लिखना है। वंस यहाँ पे क्या है? वन, टेंस टू, हंड्रेड टू। तो ऐसे हमने इसको प्रॉपरली राइट डाउन करना है। अब हमें इसे ऐड करना है, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 1 + 2 = 3। तो ये क्या है? इसका आंसर। तो अभी मैंने आपको एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। एडिशन सम्स को हम टू वेज में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन को एज इट इज़ ऐसे ही राइट डाउन कर लिया है, हम सेकेंड वे में इसको 221 को पहले भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ओनली एडिशन सम्स में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन सम में ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। तो आपने इस प्रॉपर्टी को जो है ओनली एडिशन सम में अप्लाई करना है। तो अभी हमने यहाँ पे 143 फर्स्ट लिखा है, लेकिन सेकेंड वे में हमने 221 फर्स्ट लिखना है। अब इसके नीचे हमने कौन सा डिजिट लिखना है? वंस। तो 143 में वंस कौन सा है? 3 एंड टेंस 4 एंड 101। अभी हमने इसे ऐड डाउन करना है, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 2 + 1 = 3। तो ये जो आपके आंसर्स हैं बोथ आर सेम, बोथ केसेस में आपके जो आंसर्स हैं वो सेम हैं। अगर हम फर्स्ट वे से करें तो भी आंसर 364 है, अगर सेकंड वे से करें तो भी आंसर 364 है। इन दिस केस योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस वे से हम एडिशन सम को टू वेज में सॉल्व कर सकते हैं। जे कोई भी मैटर नहीं करता कि आपने फर्स्टली बिग स्टेटमेंट लिखनी है चाहे स्मॉल लिखनी है, जी हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हम एडिशन सम में कोई भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो वो नंबर जो है वो उतना ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 4 की दे दी, हम 4 में 0 नंबर ऐड करेंगे, वी ऐड हेयर 0, तो इसका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा जैसे 4। सेम अगर 5 में हम 0 ऐड करेंगे तो भी आंसर जो है वो आएगा 5। किसी भी नंबर में हम अगर 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर जो है वो सेम ही रहता है। अभी ये तो मैंने आपको 1 डिजिट की एग्जांपल बताई है, सेकंड में आपको 2 डिजिट की एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 2-1 में हम 0 ऐड करें तो उसका जो आंसर है क्या है? 1-2, सेम। जैसे 1-10 में हम 0 ऐड करें आंसर विल बी सेम। तो ऐसे किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो सेम ही रहता है। इन टू प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने अपनी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। ओके, नाउ कम अप टू द एक्सरसाइज। फर्स्टली, आपको क्या गिवन है? 1216। तो जी हमने कहाँ पे राइट डाउन किया है? फर्स्ट पे। तो राइट हैंड साइड पे हमने इसे सेकंड पे राइट किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अभी ये जो सेकंड है 2394 है, इसको हम यहाँ पे सेकंड पे राइट डाउन कर लेंगे। इन डिजिट्स को, इन सम एडिशन के सम को आगे पीछे बिग स्मॉल नंबर्स से करने में कोई भी बच्चे डिफ़िकल्टी नहीं होती। जैसे हम इसको, मैं आपको सॉल्व करके ये नंबर बताती हूँ। 1216 एडिशन बाय 2394, जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ।
इसको सॉल्व करने से 6 + 4 = 10, 9 + 1 = 10 + 1 = 11, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, next 2 + 1 = 3. तो ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर. अभी राइट हैंड साइड क्या है 2394 and 1216. अभी हमने इसे एड डाउन करना है. 6 + 4 = 10, 9 + 1 = 10 + 1 = 11, 3 + 2 = 5 + 1 = 6, next 2 + 1 = 3. तो ये क्या है राइट हैंड साइड का आंसर. तो आपके फर्स्ट सम की जो ए पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से इक्वल है. जे हमने टू वेज में एडिशन सम को लिखा है. तो ऐसे ही हमने नेक्स्ट सम जो है वो सॉल्व करना है. जैसे यहाँ पे हमने 3996 जो है वो फर्स्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट क्या लिखेंगे 708. तो ये जो आपकी लेफ्ट साइड हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. नेक्स्ट हम कौन सा नंबर जो है इस नंबर में ऐड करेंगे कि जो नंबर है वो सेम रहे. मैंने आपको एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी बताई है, हम कौन सा नंबर ऐड डाउन करने से नंबर जो है वो सेम रहता है, जीरो. अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें तो वो जो नंबर है वो सेम रहता है. फॉर एग्जांपल 5175 में अगर हम जीरो ऐड डाउन करते हैं तो नंबर क्या होता है 5175, जो कि सेम है. ऐसे ही नेक्स्ट सम है, हम कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड डाउन करेंगे कि नंबर जो है वो सेम रहे, जीरो. नेक्स्ट है हम कौन सा सेम, ऐसे ही कौन सा नंबर ऐड करने से नंबर सेम रहता है, जीरो नंबर ऐड करने से जे जो सम है वो सेम ही रहेगा. नेक्स्ट सम भी सेम इफ पार्ट, इसमें अगर हम इस डिजिट में जीरो ऐड करेंगे तो ये जो डिजिट है वो सेम रहना है, 2273. नेक्स्ट हमने यहाँ पे 456 को पहले लिखा है, लेकिन राइट हैंड साइड पे इसको सेकंड पे लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 812. जो नंबर यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे वो सेकंड पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज योर एच पार्ट, 3484 तो हमने राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी राइट किया है. कौन सा नंबर हमने राइट डाउन नहीं किया, 8484. हमने यहाँ पे ये नंबर ऐड डाउन कर लेना है. नेक्स्ट सेम जे जो इक्वेशन है थ्री डिजिट नंबर्स की इक्वेशन है, तो इसको हम थ्री डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने ओनली वन डिफरेंट वे से लिखना है, जो कि यहाँ पे 1234 ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है राइट साइड पे, 550 भी राइट डाउन है, तो कौन सा नंबर रहता है 4123. तो आपने इसको ऐड डाउन करके इनके आंसर्स भी चेक करने हैं. आपने आंसर्स चेक करने हैं कि आंसर सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के. तो नेक्स्ट हम आपका कौन सा है, हम कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे कि ये नंबर जो सेम रहे. यहाँ पे जीरो फर्स्ट पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड पे. तो जीरो जीरो तो कुछ भी मैटर नहीं करती, किसी भी सम में हम इसको ऐड करें तो जो नंबर है वो सेम ही रहना है. ये जो टू प्रॉपर्टीज़ हैं अपने अपने माइंड में अच्छे से सेटल करनी है, ओके. और इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आपने ये सम सॉल्व करनी है, ओके स्टूडेंट्स. बाय बाय बाय.